रिगर स्कीम के अंडर जितने भी बेनिफिशरीज कश्मीर वैली के अंदर आते हैं, अब उन्हें 3 किलोवाट तक की सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन करते हैं तो अब उन्हें 94,800 तक की सब्सिडी दी जाएगी। ये सब्सिडी जो कि पहले 85,800 की हुआ करती थी, अब इनकी एडिशनल सब्सिडी के साथ बढ़ा दी गई है। ये सब्सिडी 1.59 लाख रुपीज़ के प्रोजेक्ट कॉस्ट का 60% कवर कर देती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कश्मीर डिवीजन के अंदर 44,000 बेनिफिशरीज को रुपीज 27.07 करोड़ सेंक्शन कर दिया है, जो कि पूरी तरीके से स्प्रेड हो जाएगा 31 मार्च 2027 तक। और साथ ही आपको बता दें, अगर पहले की बात करें तो पहले 3001 किलोवाट के लिए, 6002 किलोवाट के लिए और वैसे ही 9003 किलोवाट के लिए किलोवाट प्लांट के लिए दिया करते थे सब्सिडी। जो अगर टोटल अमाउंट की बात करें, सब्सिडी की बात करें, तो वो 85,800 का बनता था, लेकिन अगर हम इस बारी की बात करें तो वो टोटल अमाउंट जो है, टोटल सब्सिडी जो है 94,800 बनता है। और साथ ही साथ आपको बता दें, पीएम सूर्यगढ़ स्कीम जो है वो रेजिडेंशियल हाउसेस के लिए बनाया गया है, जहां पर गवर्नमेंट का एक फिक्स्ड टारगेट रहता है कि 1,000 सोलर रूफटॉप्स पर मंथ लगाने हैं कश्मीर के अंदर।